फ्रेंड, आप आईएएस के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पांच आर्टिकल, जिसमें से एक आर्टिकल होगा, पहला आर्टिकल जो है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड है कि अब जो हाल ही में जो कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कमी मतलब कटौती की गई, तो अब सरकार को क्या किए जाने की ज़रूरत है, तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल होगा। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल अपना है ये जो सोशल मीडिया में जैसे इनका मिसयूज़ हो रहा है, तो इसमें हाल ही में जो है तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो आई है सरकार को इसके बारे में कि दिशा निर्देश से गाइडलाइन जारी करने के लिए, तो उससे संबंधित सोशल मीडिया के दुरुपयोग से संबंधित ये आर्टिकल है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और वहीं नेक्स्ट आर्टिकल अपना जो है तो वो अपने नियुक्तियों में दखल से रिलेटेड है कि जो जैसे कि कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट यानी कि यहाँ पास है, तो उसमें से सरकार का कैसे कि दखल हुआ है ना, किस तरह से प्रभावित करता है नियुक्तियों को, तो उससे संबंधित तो ये भी आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल अपना होगा जो कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसमें से जैसे निजी रेल की बात यहाँ पास मतलब कि चल रही, तो उसके लिए भी सरकार काफ़ी कुछ मतलब इनिशिएटिव ले रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कैसे इसके किस तरह से आउटकम हो सकते हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पास डिस्कस किया गया, तो उस आर्टिकल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट आर्टिकल जो लास्ट आर्टिकल होगा वो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, विभूति नारायण जी आईपीएस है उनका आर्टिकल है, तो ये काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक आर्टिकल है। इन्होंने एक रिपोर्ट जो कि हाल ही में जो सर्वे किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट को भी कोट करके इसके बारे में मतलब कि इसमें क्या पुलिस रिफॉर्म के लिए क्या किया जाना चाहिए या किसकी ज़रूरत है, तो उससे संबंधित आर्टिकल, तो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल, आर्थिक मोर्चे पर क्या कुछ किए जाने की है ज़रूरत है ना। तो इस आर्टिकल में जैसे कि भी हाल ही में सरकार को अपनी जो बजट जैसे 2019 का यहाँ पास लाया गया, उसके बाद फिर काफ़ी कुछ अपने उसमें जो प्रीवियस जो पॉलिसीज थी उसमें काफ़ी चेंजेस करना पड़ा है ना, उसमें कुछ ज़्यादा फिक्सेशन नहीं, अस्थायित्व की स्थिति बन गई, तो इससे क्या हुआ कि मतलब कि जो हमारे वित्त मंत्री थे उनको भी काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। तो लेकिन यहाँ पास जो राइटर हैं तो ये बता रहा कि जो बजट वगैरह है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्पेशल तौर पर जो पीएमओ में जो वित्त सचिव और संयुक्त सचिव हैं इनको इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तो उनकी सीट होनी चाहिए थी है ना, क्योंकि पूरी जवाब मतलब कि पूरा काम और उसका पूरा क्रियान्वयन तो उन्होंने ही किया था, तो इस पर क्रिटिसाइज़ करना वहाँ पास हमारे वित्त मंत्री के बजाय इन अधिकारियों को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि पूरा लेखा जोखा तो उन्हीं ने तैयार किया था इसके बारे में, तो योजनाएँ तो इसलिए जिम्मेदारी उनकी होती है। तो इस आर्टिकल में जबकि जो वित्त मंत्रालय है वो तो अपनी तरफ से मतलब कि पूरी तरह से अच्छे से ही प्रयास कर रहा है ना, तो जैसे कि भी कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह में भी काफ़ी कटौती करके जो है तो अपनी आर्थिक मंदी की स्थिति जिसमें तो काफ़ी मतलब इन क्षेत्रों को इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी कुछ किया भी गया है, लेकिन इससे हालांकि राजकोषीय घाटे को जो 1.45 लाख करोड़ रुपए की बात मतलब कि हानि होने की बात हुई है, तो इससे निश्चित तौर पर जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसमें राजस्व पर तो इसका असर पड़ेगा ही, और इस तरह जो है तो राजकोषीय स्थिति को भी मतलब कि जो पहले सरकार का टारगेट 3% के आसपास रहने की, तो वो तो अब निश्चित तौर पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा है ना, तो इस चीज़ पे अब ज़्यादा सरकार को ध्यान भी नहीं देना चाहिए कि राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, बल्कि क्योंकि ये तो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म के लिए तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पास फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी ही चाहिए, लेकिन बात यह है कि अब तो ये चीज़ें तो हो गए, अब इसके बाद मतलब कि अब आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो कुछ इसके विकल्प भी हो सकते हैं कि जैसे नकदी डालने के निष्प्रभावी कदम इसको मतलब कि यहाँ पास राइटर कहते हैं कि या तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि नकदी डाले जाए, तो ये तो डायरेक्ट मतलब कि एक निष्प्रभावी कदम होगा ठीक है, और ज़रूरी कुछ टैक्स में रिफॉर्म किए जाएं तो वो तो कर भी किया भी जा चुका है ना, अब उसके अलावा जो है तो उसके अतिरिक्त अब सरकार को क्या करने की ज़रूरत है, इसके बारे में यहाँ पास राइटर कुछ सजेशन देते हैं अपने कि इसके 5 बातों पे उन्होंने मतलब कि इस पर फोकस किया है कि क्या किया जाने की ज़रूरत, क्या किया जाना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये फोकस किया कि लगभग जो जो सरकार का फेलियर है तो वो तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, और वही जो है तो अब वित्त मंत्रालय को ये निर्देश देना होगा कि जैसे 90% जो वस्तुएँ हैं तो उनको लगभग 0% टैक्स के दायरे में लाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो 5% से ऊपर की जो पूरी तमाम दरें हैं तो उनको इंटीग्रेट करके 18% के
इंटीग्रेट करके 18% में लाया दिया जाए, उसी पे सभी को इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि टैक्स स्लैब को दो टैक्स स्लैबों में कर दिया जाए, मतलब घटाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लगभग 90% वस्तुओं को 0 करके दायरे पे, और वहीं जो 5% या उससे ऊपर की हैं तो उनको सभी को 18% में लाया जाए और इंटीग्रेट किया जाए, पहला सजेशन। दूसरा सजेशन वो देते हैं कि जो इनकम टैक्स है तो उसकी जो दर है तो उनको भी जो है तो नेक्स्ट जो बजट सेशन होगा उसमें भी अब इसको 20 और 30% के दो स्लैब में रखने की बात कर रहे हैं इसमें से, है ना, 20 और 30% के बीच किया जाएगा, है लिमिटेड। और साथ ही साथ यहाँ पास राइटर के अनुसार यहाँ पास जो है तो जो टैक्स है तो उसकी जो लिमिटेशन है उसको ही बढ़ाने की बात यहाँ पास कर रहे हैं कि टैक्स की सीमा को लगभग बढ़ा करके 18 लाख कर दिया जाए, है ना। 18 लाख कर देने से यानी कि लगभग लगभग 1.5 लाख रुपये मंथली पाने वाले व्यक्ति हो तो वो भी टैक्स मतलब उसको भी नहीं देना पड़ेगा, इससे कम जो पा रहा है तो हालांकि ये मतलब कि ज़्यादा ये लग सकता है, लेकिन मध्यवर्गीय व्यक्ति की जो वर्तमान समय में इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई, उसका खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से ये देखा जाए तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि इतना होना भी स्वाभाविक है कि इतना होना ही चाहिए, है ना। तो ये दूसरा कदम है। और वह तीसरी बात राइटर बोलते हैं कि जो परिसंपत्ति हैं तो उनको भी तीव्रता के साथ उनका निस्तारण भी किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे कि जमीन संबंधित जो परिसंपत्ति, उनका निस्तारण करने से क्या होगा कि इसमें मतलब ज़्यादा सरकार को विरोध का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ज़्यादा इनका डायरेक्ट हित नहीं दिखते हैं। तो जो है तो सरकार जो है तो जमीन वगैरह जो अपनी परिसंपत्ति है इससे रिलेटेड है तो उसको जो है तो इसका निस्तारण करने की शीघ्रता से ज़रूरत है। और साथ ही साथ इसकी जो शुरुआत की जा सकती है तो वो सरकार के जो सामाजिक कार्यक्रम हैं तो उनके वित्त पोषण से संबंधित कर देनी चाहिए, तब इससे ज़्यादा कोई मतलब कि इसके अगेंस्ट में कोई शिकायतें भी नहीं मतलब आएंगी, है ना, सरकार को सुनने नहीं मिलेंगी। वहीं चौथा सजेशन राइटर का है कि जो राजस्व है तो उसमें अस्थायी रूप से कमी की फंडिंग का भी सवाल यहाँ पास तो उठता ही है, स्वाभाविक है कि अब अपना राजकोषीय घाटा तो बढ़ा है तो उसमें ये कमी जो आएगी तो उसकी पूर्ति कैसी होगी। तो उसमें भी जो है तो अब समय ऐसा है कि जो तदर्थ बिल हैं तो उनको उनके बदले में एक मतलब कि उनको मतलब एक स्वरूप एक नया जीवन प्रदान किया जाए, मतलब उसमें कुछ अब चेंजेस करके एक नया डायमेंशन उसको देने की बात कर रहे हैं, है ना। और ऐसा करना यदि इस तरह कर दिया जाता है इस सजेशन से तो एक प्रकार से नई नकदी छापने के बराबर ही है, है ना, मतलब कि नई करेंसी को हम यदि छापते हैं तो उसके भी इसी तरह के परिणाम होंगे, तो उससे बेटर है कि इस तरह की मतलब कि वो कर दिया जाए, है ना। और ये एक बहुत बड़ा मतलब कि संसाधन भी साबित होगा इस तरह के यदि कदम उठाए गए तो सरकार के द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये एक सकारात्मक कदम हो सकता है। साथ ही यहाँ मुद्दा यह है कि यहाँ पास कुछ इन चीज़ों सजेशन दिए हैं राइटर, तो इस इन सजेशंस पे कुछ मतलब कि इन चीज़ों से लोग थोड़ा सा इसको संदेह की नज़र से देखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ये राजीव गांधी ने इसको 1986 और 89 में भी इस मतलब कि इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी, और सर 1990 में भी इनका जो है तो उसको एक प्रकार से नकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब कि पूरी तरह से ये एकदम से बेकार ही है ना। वास्तविकता तो यह है कि इनके ही दुर्गामी परिणाम जो हैं तो आगे देखने को मिले थे, तो इनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे, लेकिन उस चीज़ को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि उसके सकारात्मक परिणाम निश्चित तौर पर मिले भी थे, है ना। तो अब ज़रूरत यह है कि जो इनकी जो मौजूदा सीमा है तो उनको बढ़ाया जाए, वही जो है तो 1 लाख करोड़ रुपए जो है तो कि पुराने मापदंडों के हिसाब से मतलब कि 2 दशक पहले की निर्धारण किए गए तब की परिस्थितियों के हिसाब से, तो इसको भी मतलब कि ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और पांचवा जो सजेशन राइटर का दिया गया है, उन्होंने बताया कि जो सबसे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए कहते हैं कि जब इस अवधारणा को भी त्यागने की ज़रूरत है कि जो सरकार जो है तो व्यय चाहती है और इसे हासिल करने के लिए तो राजस्व में इजाफा करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा वो नहीं है, टैक्स और व्यय जो हमेशा जो है तो मतलब कि कर और व्यय हमेशा व्यय और कर के समान नहीं होते हैं, ठीक है। कि जैसे कि टैक्स है और एक्सपेंडिचर है तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंडिचर और टैक्स वगैरह दोनों हो तो एक प्रकार से इक्वल हो, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं हमेशा, ठीक है। और जहाँ आम जनता की मांग है तो ये लोग तो यही नॉर्मल सोचते हैं कि सरकार को जो है तो व्यय में ज़्यादा मतलब कि इजाफा करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पास ये भी है कि हमें अपने जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर है उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें भी प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की ज़रूरत है। और ठीक है, और वहीं पास जो है तो सरकार के पास ये
मतलब कि अवसर भी है अच्छा कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा भी सकती है, और जो है तो आगामी 5 वर्षों में लगभग 15% की कटौती से इन चीज़ों को मतलब कि हासिल किया जा सकता है। और वहीं जैसे कि 1967, 1974, 81 और 1991 में भी इस तरह के कदम उठाए जा चुके हैं पिछली सरकारों के उसमें। तो निश्चित तौर पे जो ये सरकार अपनी मतलब कि 2014 में जब आए थे तो विमल जालान समिति भी गठित की गई थी, तो इस समिति ने भी कई मतलब के अच्छे सुझाव दिए थे। ठीक है, तो उसमें जैसे कि व्यय में बदलाव लाने की भी कुछ काफ़ी मतलब की जरूरत की दिशा पर संकेत किए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पास है कि इसमें एक सजेशन भी है जैसे कि बहुत ही ऐसे सेवानिवृत्त लोगों को ही जो पेंशन वगैरह भुगतान है तो उनको बंद करने की जरूरत है, जिनके पास की पेंशन के अलावा भी कुछ और अदर इनकम के जो सोर्स हैं तो उनकी पेंशन बंद करने की बात भी यहाँ पास की जाए, जिससे कि अपने जो व्यय है ज़्यादा वो मतलब कम हो जाए और कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो जो पहला अवसर है उस पर इससे निश्चित तौर पे निजात पाने में तो सरकार कामयाब रही है, लेकिन अकेले सेवा आपूर्ति में ही सुधार करना पर्याप्त नहीं है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में जैसे 2014 टू 19 सरकार का जो कदम था तो उसमें से सरकार ने ज़्यादातर सर्विस सेक्टर पे फोकस किया था, तो ऐसी एक प्रकार से मेंटेलिटी ही बन गई थी कि ये सफिशियंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। सिर्फ सेवा आपूर्ति से सुधार कर देना ये सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि जैसे कि ये तो ठीक उसी तरह से हो गया कि जैसे नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह की सुधार मतलब कि जो सुधार में भी जैसे कि वो बृहद आर्थिक सुधार को ही पर्याप्त मानते थे, उसी तरह से ये सिर्फ सर्विस सेक्टर पर इम्प्रूवमेंट करके खुश होने जरूरत नहीं, बल्कि इस दिशा पे और भी एक बेहतर तरीके से सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पास करने की ज़रूरत है, और ये सरकार के पास पर्याप्त समय भी है कि इस दिशा में प्रभावी कदम उठा सके और बेहतर तरीके से इस दिशा में मतलब कि काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। तो इस आर्टिकल में इतने, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये सोशल मीडिया के दुरुपयोग से संबंधित आर्टिकल है, जो कि अभी हाल ही में जैसे कि इस सोशल मीडिया के दुरुपयोग की तो घटनाएं आए दिन देखने को मिलती ही रहती हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि सरकार जो है तो उसको इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम सरकार को उठाने की ज़रूरत है। आखिर वह कोई भी दिशा निर्देश क्यों इस संदर्भ में क्यों नहीं लागू कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। तो यही जो सोशल मीडिया के इसके दुरुपयोग को निश्चित तौर पर नियंत्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे बहुत सी ज़्यादा समस्याएं भी देखने को मिलती रहती है ना। तो जैसे कि यहाँ पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक प्रकार से दुरुपयोग ही हो रहा है ना, उसको मनमाने तरीके से इसका मिसयूज़ हो रहा है। हालांकि ये बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं, दुनिया में भी बहुत जगह इन चीज़ों ये इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं, नॉर्मल है, जैसे कि ट्रोलिंग वगैरह हो गए है ना सोशल मीडिया में, तो इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इससे इसके नकारात्मक परिणाम बहुत देखने को मिलते हैं, कि जैसे कि समाज में जैसे कि वैमनस्यता की भावना है, तो झूठी खबरें फैला देते हैं लोग, या इससे अफवाह बहुत सी ज़्यादा मतलब कि फैलती हैं और बहुत तीव्रता के साथ भी प्रसारित होती हैं इन भी अफवाह वगैरह। तो कई बार तो यह काम एक सुनियोजित तरीके से भी लोग करते हैं, जो कि मतलब कि अहित चाहने वाले लोग है ना। तो इससे भी जैसे कि इसी जैसे कि जनमत भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित किया जा सकता है, और लोग करते भी। इसके यदि उदाहरण देखा जाए तो ये जो पिछले अमेरिकी चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका के जो उसने कि जो मतलब कि उस पर आरोप लगे थे कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि उसने अपने डाटा चोरी मतलब कि फेसबुक का डाटा चोरी करके जो है तो इन चुनाव को प्रभावित मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। तो इस तरह की संभावना भी पाई जाती हैं कि ये एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी क्रिएट कर देती हैं। तो निश्चित तौर पे हमें इन घटनाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और वहीं यदि घटनाओं के बाद जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह है, तो इन फर्जी खबर वगैरह के बारे में हालांकि कदम उठाए हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब सफिशियंट नहीं है, है ना, वो उपाय ज़्यादा पर्याप्त नहीं साबित हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि यदि इस तरह की मतलब कि सोशल मीडिया के जरिए फर्जी खबरें इस तरह फैलती रहीं, तो निश्चित तौर पे ये जो यह एक प्रकार से सोशल मीडिया के जो लगभग सभी प्लेटफॉर्म में ट्रोलिंग वगैरह फर्जी खबर है, इनको रोकने के लिए मतलब कि प्रभावी कदम उठाए जाने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ही। साथ ही साथ यहाँ पर और बेहतर तरीके से इसमें प्रभावी कदम उठाने के लिए सोशल मीडिया कंपनी जो हैं तो उनको जो है तो सरकार के साथ मिलकर के सरकार को मतलब सहयोग देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। और साथ ही जब सरकार का ये सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इन पर काफ़ी कड़ाई से और प्रभावी कदम उठाया जा सकता है इस दिशा पे, है ना। और साथ ही यहाँ पर ज़रूरत ये है कि सोशल मीडिया में जो सक्रिय लोग हैं तो वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता और साथ ही अब उसकी गरिमा को भी समझने की यहाँ पर ज़रूरत है।
और यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ये जो सोशल मीडिया है तो एक प्रकार से एक बदनामी का ही शिकार होगा और ये अपना जो है तो महत्व ही खो देगा निश्चित तौर पे। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सभी जो सजग और सक्रिय होकर इसके अतिरिक्त कोई कोशिश भी करने की ज़रूरत है, नहीं तो निश्चित तौर पर जो सोशल मीडिया है तो इसके मतलब कि एक बहुत ही इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और इसके लिए इस चीज़ को सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया जा सकता है कि इसको जैसे कि एक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म या संवाद का एक प्रकार से उपयोगी मंच के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसीलिए इस मतलब कि कंपनियों को और सरकार के सहयोग से इस दिशा में काफ़ी कुछ अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में इतने, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नियुक्ति में दखलंदाजी से प्रभावित होता न्याय प्रशासन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें से भी जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है तो की अध्यक्षता में जो सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्य की पीठ थी तो उसका ही अभी कहना था कि जैसे जजों की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप से न्याय निस्तारण सिस्टम पर असर पड़ता है और यह संस्था के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये एक नए खतरे का संकेत ही है कि निश्चित तौर पे उसके मतलब कि तरह के मामलों पे यदि कोई दूसरी चीज़ हस्तक्षेप होता है तो वो वहाँ पास से जो कदम मतलब कि काम हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो प्रभावित होता है। और जैसे कि यदि यहाँ पास हाई कोर्ट के मामला भी आया था कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस शाकिल कुरैशी की जो है जो इनको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को लेकर के भी काफ़ी देरी की बातें सामने आई थी, है ना। तो उस पर भी जो गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन है उसकी याचिका के समय ये जो डिसीजन मतलब कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये तब आई थी कि हस्तक्षेप के मामलों के संबंधित, है ना। अब यदि देखा जाए तो इस जो कोर्ट है उसके कॉलेजियम ने भी अपनी संस्तुति को लगभग 10 मई को भी इसके बारे में मतलब संस्तुति दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार जो है तो नियुक्तियों को लटका देते हैं ना, उन पे सही समय पे नियुक्तियों पे वो नहीं मुहर नहीं लगाता है। तो इससे यहाँ पास जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी देरी के बारे में पूछा तो सरकार ने जवाब दिया कि इन्हें किसी छोटे हाई कोर्ट में भेजने के लिए बोला। ये जो कुरैशी जी का मामला था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पे इनको नियुक्ति का वहाँ पास से कॉलेजियम से तो हो गया था, लेकिन यहाँ पास सरकार के बोलने पे सरकार ने मतलब कि इनको दूसरे जगह पे नियुक्त करने की बात की, छोटे उस पे, है ना, कि कहीं छोटे हाई कोर्ट पे इनको भेजा जाए। तो कॉलेजियम ने हालांकि उनको फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भेज दिया, लेकिन वहाँ भी अभी पूरी तरह से औपचारिक रूप से उनको मतलब नियुक्ति पत्र वगैरह नहीं दी गई है। तो जजों के खिलाफ जो इस तरह से तो सोशल मीडिया वगैरह में भी नकारात्मक टिप्पणियाँ देखने को मिल रही हैं इस तरह की घटनाओं से, तो जो कि निश्चित तौर पे कानूनी रूप से अवमानना ही है। हाल ही में जो सरकार ने जो कॉलेजियम की 3 संस्तुतियों पर भी असहमति व्यक्त की थी, जैसे कि जस्टिस कुरैशी के अलावा जस्टिस विक्रम नाथ हो गए, उनको भी पहले कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, लेकिन सरकार ने उस पर हस्तक्षेप किया तो फिर उसको गुजरात भेजा गया। और 2018 में भी यदि देखा जाए मामला तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस का भी है, जिनको कि दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, लेकिन कॉलेजियम की तो संस्तुति इस मामले में थी लेकिन सरकार के दखल के बाद फिर उन्हें झारखंड भेजा गया। और साथ ही साथ जैसे कि अदालत ने भी अपनी पिछली मतलब कि एक रजिस्ट्री में बैठे कुछ लोगों पर भी सख्त टिप्पणी की थी, जब कुछ मतलब कि जो इवेंट्स है तो उस पर चेंजेस हो गए थे। तो जैसे कि अदालत के आदेश बदल दिए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियाँ की थी कि जैसे अदालत के आदेश बदल दिए जा रहे हैं और कई ऐसे मामले नज़र में आए हैं जिसमें देश के शक्तिशाली लोगों से साठगांठ के तहत बेंच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि यह सब चलने नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पास कॉलेजियम और सरकार का जो हस्तक्षेप है तो कुछ मतलब कि ज़्यादा इससे निश्चित तौर पे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती है। और यहाँ पास जैसे कि बहुत से ऐसे पद भी खाली रह जाते हैं इसी तरह की संस्तुतियाँ ना मिलने के कारण ही, तो इस दिशा में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब देश में हर संस्था मतलब कि संस्था को लेकर जनता का संशय भी इसीलिए बढ़ता जा रहा है और ऐसे इस तरह में सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का जो भरोसा है तो भी कहीं धीरे धीरे कम नहीं, इसलिए जरूर ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर एक प्रकार से सरकार को भी एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल में इतने, चलते नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये निजी रेल का मुश्किल सफर से रिलेटेड बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो जैसे कि अभी हाल ही में जैसे निजी रेल से संबंधित कुछ अपनी भारतीय रेल यात्रा हुआ है तो इसमें निजी रेल की भी बातें मतलब चल रही सामने आ रही हैं ना, कि इस दिशा में भी काफ़ी कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है।
और जो भारतीय रेल है तो उसके ट्रेन के परिचालन के लिए जो है तो निजी और सार्वजनिक भागीदारी जो है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ कदम उठा लिए जा चुके हैं ना। और शायद है कि ये आगे आने वाले मतलब अगले वर्ष तक में इन मार्गों की भी इन्हें जो है तो आवंटन हो जाएगा और ये प्रक्रिया भी चालू हो सकती हैं। यह समय सीमा भी उचित प्रतीत होती है। हालांकि सर ये समय टाइमिंग भी ठीक ही है, जैसे कि माल ढुलाई वगैरह कॉरिडोर हैं तो वो भी आगे 2 वर्षों में पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, ठीक है। और वहीं दिल्ली कोलकाता बम्बई के बीच जो मौजूदा मिश्रित उपयोग वाले जो कॉरिडोर की क्षमता भी है तो काफ़ी हद तक प्रकार से मुक्त हो जाएगी, तो इसके लिए एक अनुकूल माहौल भी क्रिएट हो जाएगा। और आगे समय में जैसे नए मार्ग वगैरह भी उनको भी ज़्यादा अनुमति मिलेगी तो मतलब और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जहाँ मतलब कि यदि करीब लगभग 150 ऐसे मार्ग निजी सेवा प्रदाताओं के लिए दिए जा सकते हैं जो स्वयं के मतलब कि उनका कोच इंजन और चालक उनका पूरा एक प्रकार से पूरा निजी ही रहेगा, तो उसके साथ वो शुरुआत करेंगे, है ना। तो लेकिन सब यदि इसी तरह से पूरी तरह से जो सरकार का एजेंडा है मतलब कि उसी ढंग से सब ठीक रहा तो जो विदेशी निवेशक है निश्चित तौर पर से काफ़ी अट्रैक्ट होंगे और शायद है कि बड़ी कंपनियां भी यूरोप वगैरह की इसमें ज़्यादा रुचि दिखाएं, तो इससे क्या है कि सरकार को भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, काफ़ी संसाधन भी इससे शायद है कि हासिल हो जाए, है ना। लेकिन जैसे कि ये निश्चित तौर पे किसी प्रेरणा से ही हुआ होगा, लेकिन ये जो विचार है तो वो अपने आप में तो गलत, निश्चित तौर पे वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो गलत है। यहाँ पास राइटर के व्यू के हिसाब से इस विषय पे कई सवाल खड़े हो सकते हैं, जैसे कि कुछ सवाल तो ये भी हैं कि ये जो पूरी योजना है इसको ही खारिज करने की बात लोग कर रहे हैं, जैसे कि उसको भी खारिज किया सकता है। उदाहरण के लिए जैसे किन मामलों में भी टकराहट देखने को मिल सकती है, जैसे कि निजी क्षेत्र हैं तो उनको परिचालन के लिए कौन से मार्ग और कौन सा समय आवंटित किया जाए, ये भी प्रश्न चिन्ह का मामला है, ठीक है, क्योंकि इनको भी तो ज़रूरत होगी ना। और यदि अगर सबसे लाभकारी मार्ग और समय दिए जाते हैं तो क्या सीधा असर इसका रेलवे के संसाधनों पर नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पर टकराव की स्थिति तो बनेगी। दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि क्या कंपनियों को मूल्य तय करने का अधिकार भी होगा ना, और एक स्वतंत्र नियामक, यहाँ पास सरकार की तरफ से बोला गया कि एक स्वतंत्र नियामक गठित किया जाएगा, वादा किया गया है, तो क्या फिर उनको किराए की सीमा वगैरह तय करने की भी मतलब कि क्या इस मामले में भी अधिकार होंगे क्या। यदि इस तरह की जो अनुबंध लंबी अवधि के होंगे तो शायद है कि मूल्य तय करने का अधिकार भी निजी चालकों को मिल सकता है ना, लेकिन यदि इस तरह की स्थिति नहीं हो तो उनको फिर तो जोखिम ही उठाना पड़ेगा। और शायद यहाँ पास जो है तो इससे काफ़ी कुछ विवाद भी वो हो सकता है, क्योंकि जो रेलें स्टेशन पर जगह के लिए प्रतिस्पर्धाएं करेंगी, है ना, निश्चित तौर पे प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि एक तो सार्वजनिक वाली है एक निजी वाली है, तो उनमें दोनों पे अपने स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। वहीं जहाँ ज़्यादा भीड़ वाले मार्ग होंगे तो वहाँ पास पहुँचने के लिए प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी, और भीड़ भरे स्टेशन के बाहर जो है तो किसे प्रायोरिटी दी जाए ये भी मतलब कि एक देखने की बात है कि वहाँ पास भी प्रतिस्पर्धा का ही माहौल क्रिएट हो सकता है ना। तो यदि भारतीय रेल अपने ट्रेन के पक्ष में निर्णय करती है तो क्या इस निर्णय के खिलाफ अपील हो सकती है, ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन रेज होता है। अपील का बिंदु भी क्या होगा, ये भी एक क्वेश्चन ही है कि क्या किस मुद्दे पे यहाँ पास वो अपील होगी, है ना। तो ये भी कुछ मतलब कि निवेशक ये चीज़ें जो इस तरह के क्वेश्चंस जो रेज हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है तो निवेशकों को हतोत्साहित करने वाले हैं ना। इससे यहाँ तक कि कुछ कहीं ऐसे हो कि मतलब कम रुचि दिखाएं यहाँ पास जो विदेशी निवेशक हैं, लेकिन अगर निजी परिचालकों को भी ध्यान में रखना है तो भारतीय रेल और रेलवे बोर्ड में सुधार जरूरी निश्चित तौर पे है ना, क्योंकि निजी परिचालकों को तो ठीक है ध्यान है, लेकिन हमें यहाँ पास भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारी भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, और संभवतः इन्हें भी एक प्रकार से अलग करने की बात हो रही है ना, कि अलग इनको भी कर देना चाहिए तो जाकर के मतलब एक बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि जैसे कि नेटवर्क की मालिक भी बतौर सेवा प्रदाता निजी परिचालकों के साथ ही प्रतिस्पर्धा करने लगेगी तब तो फिर विवाद का ही विषय हो जाएगा और भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं भी हो सकती हैं। तार्किक ढंग से यदि बात की जाए तो जो निजी क्षेत्र है उसकी जो रेल और सरकारी नेटवर्क है उसको एक दूसरे से लगभग पूरी तरह से अलग करने की बात
अलग करना ही होगा, है ना। परंतु जब ब्रिटेन की तरह नेटवर्क में निवेश की कमी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। निजी ट्रेन का विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन रेलवे में आमूलचूल सुधार का कोई विकल्प नहीं है। यानी कि यहाँ पास जो तो राइटर जो है तो स्पेशली रेलवे भी पूरी तरह से ज़्यादा उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं। निजी ट्रेन प्राइवेटाइजेशन तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर जो है तो आमूलचूल रेलवे पर ही सुधार करने की ज़रूरत है। वो ज़्यादा अच्छा सही विकल्प यहाँ पास हो सकता है। और इसकी शुरुआत भी जैसे विभिन्न विभागों के बीच की दीवार को ख़त्म करके जैसे कॉर्पोरेट शैली में भी कुछ इनको इंटीग्रेट तरीके से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके भी इस दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। विभूति नारायण राय जी का आर्टिकल है। यहाँ पर सभी जैसे हाल ही में जैसे सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSTS और कॉमन काज NGO जो है तो इनने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि भारत में ही मतलब कि पुलिस व्यवस्था की दशा 2019 के नाम से रिपोर्ट थी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में फैक्ट देखने को मिले कि रिपोर्ट में कोई हालांकि तथ्य निष्कर्ष कोई ऐसा नया नहीं था कि जो कुछ ही अलग हो पुरानी स्थितियों से ही रहा, लेकिन उसमें जो कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से तार्किक ढंग से भी यहाँ पास मतलब कि बातें रखी गई हैं, है ना, ज़मीनी स्तर पे कुछ अध्ययन के बाद। तो जैसे कि इसमें रिपोर्ट जो स्टेटस ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019 है, इसको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला पार्ट क्या हो सकता है कि जो पुलिस में उपलब्ध जो भौतिक संसाधन है उनसे संबंधित है पहला पार्ट में, और दूसरे में है कि जो उनकी मानसिक बनावट है उसको समझने की कोशिश दूसरे पार्ट में की गई रिपोर्ट के, तो उसी पे ये रिपोर्ट फोकस है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे कि भारत दुनिया के सबसे तीव्रता से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल है, लेकिन जो भारत की जो पुलिस के पास संसाधन हैं तो भी बहुत ही मतलब पिछड़े संसाधन है, बहुत ही अविकसित देशों जैसे संसाधन आज भी उसी तरह के हैं, है ना। आज जहाँ संयुक्त राष्ट्र के मानकों को उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र के मानक हैं प्रति 1 लाख आबादी पे 222 पुलिसकर्मी होने की बात करता है, लेकिन जो भारत में है तो भारत में सिर्फ प्रति लाख में से 138 ही पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, और उसमें से भी 22% तो पद ही रिक्त पड़े हुए हैं आज भी। और यहाँ पास जो कांस्टेबल और उनके अधिकारियों के बीच भी काफ़ी मतलब अनुपात सही नहीं है, है ना, जो अनुपात होना चाहिए वो भी यथोचित तरीके से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को सिर्फ नागालैंड और दिल्ली ही फुलफिल करते हैं, बाकी तो यहाँ पास ये रेशियो भी सही तरीके से नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा और बहुत ज़्यादा शहरीकरण जाति और क्षेत्रीय तनाव वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है कि पुलिस बल जो है तो उसके कार्य घंटे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और इससे इसका आउटकम क्या होता है कि पुलिस जो है तो भारतीय राज्य की जो अकेली संस्था ऐसी बन गई है जिसमें साप्ताहिक छुट्टी कोई अवधारणा ही नहीं है। यानी कि पुलिस जो है पुलिस को साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं मिलती कि इनको थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए। हालांकि अभी MP गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि वहाँ पास जो है तो अब हफ्ता में एक दिन छुट्टी देने की मुहिम वहाँ पास की गई है, कि यहाँ पास है कि जो वैसे सामान्यतः साप्ताहिक छुट्टी की भी कोई भी ऐसा अवधारणा पुलिस को नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पास जो है तो इस रिपोर्ट में जो है पुलिस कर्मियों की आवास के संबंधित अभाव को भी यहाँ पास रेखांकित किया गया, किस तरह से वहाँ पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूरी तरह से उनको भी पूरा नहीं किया गया है। साथ ही जैसे कि पुलिस थाने वगैरह उनमें शौचालय हो गया है और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनसे भी इनको वंचित रखा गया है। वो चीज़ें भी जरूरी संसाधन भी इसमें उपलब्ध नहीं है, जैसे कि पर्याप्त संख्या प्रशिक्षण संचार सुविधा वाहन या वैज्ञानिक उपकरण। इनके अभाव में निश्चित तौर पे क्या होगा कि पुलिस से तो जनता की अपेक्षाओं में खरी नहीं उतर सकती है ना, क्योंकि पर्याप्त संसाधन ही उस हिसाब से नहीं है उपलब्ध हैं। लेकिन इस पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो विभिन्न पद हैं तो उनके पुलिसकर्मियों से एक साक्षात्कार लिया गया तो उसमें से कुछ मामले निकल के सामने आए कि 37% कर्मी ऐसे हैं जो अपनी जो वर्तमान स्थिति उनकी है उसमें वो संतुष्ट नहीं हैं। वो तो मतलब कि उन्हें यदि मौका मिले तो वे दूसरी नौकरी को जाना ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करेंगे, है ना। और रिपोर्ट का दूसरा भाग जो है तो उसी से जुड़ उन मूल्य जो रिपोर्ट का दूसरा भाग है तो उन मूल्यों से जुड़ा है जिन पर कि पुलिस की कारगुजारियाँ निर्भर करती हैं, मतलब कि जो बिहेव है, ठीक है, तो वो निर्भर करता है, इस सेकंड पार्ट पे व्यक्त किया गया है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जैसे बिना पर्याप्त भौतिक संसाधन के तो दुनिया का कोई भी पुलिस बल अपनी भूमिका संतोषजनक ढंग से नहीं निर्वहन कर सकता है, लेकिन पर भी यदि उतना ही सच है कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन संपर्क में आने वाली जो जनता है उसके आचरण व्यवहार के आधार पर किया जा सकता है ना, जिस तरह से जनता से बिहेव होगा उसके हिसाब से उसका मापदंड तय हो जाएगा, है ना, और उसी तरह से टेम्परामेंट क्रिएट होगा उसके उस लिए।
तो इस कसौटी पर भारतीय पुलिस से सहानुभूति रखने की भी अच्छे सकारात्मक अंक इसमें नहीं मिले हैं। इनको जनता के साथ अच्छा संवाद कायम या अच्छे तरीके से उनका एक्टिविटी देखने को नहीं मिली है। दुर्भाग्य से यहाँ पास हालांकि राजनीतिक या शीर्ष पुलिस नेतृत्व में तो यहाँ पास जो लोगों की संख्या बहुत है जो मानते ऐसे हैं कि पुलिस में ज़्यादा संसाधन मात्र से बेहतर सुधार किए जा सकते हैं, है ना। और हालांकि इस दिशा में किए भी गए कि जैसे सरकार वगैरह तो आधुनिकीकरण के नाम पर भी बहुत से ऐसे कार्यक्रम चला रही है फॉर्मेलिटी के तौर पर, जिसमें से केंद्र से करोड़ों रुपये राज्यों की पुलिस उस पर दिए भी जाते हैं, खर्च भी किए जा रहे हैं उनको मॉडर्न तरीके से बनाए जाने के लिए। और सरकारों के लिए तो यहाँ पास जैसे कि एक संकीर्ण, यहाँ पास आधुनिकता की एक संकीर्ण परिभाषा भी देखने को मिलती है। सरकारों की नज़र में जैसे कि आधुनिकता के मतलब सिर्फ और सिर्फ तेज़ गाड़ियाँ, रफ्तार की गाड़ियाँ, है ना, या और घातक हथियार हों, या बेहद संचार उपकरण हों, या भवन का निर्माण कर दिया जाए तो एक आधुनिक उसको मान लिया गया। लेकिन जो बिहेवियरल चेंजेस है, पुलिस व्यवहार का परिवर्तन है, उसमें कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं किया गया है, उस पर कोई फोकस नहीं है, है ना, जो कि ज़्यादा गंभीर मामला है ना, चिंता का विषय ये उठता है। वहीं स्टेटस ऑफ जो पुलिस की रिपोर्ट है तो इसमें इन्ही मामलों को ज़्यादा फोकस किया गया है ना, कि ये जैसे देखा गया कि जिन पुलिसकर्मियों से इस अध्ययन के दौरान बातचीत की गई तो उनका एक बड़ा प्रतिशत ऐसा मानना था कि जो गो तस्कर वगैरह हैं तो उनको जो भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, अभी हाल ही में इस तरह की बहुत सी घटनाएं देखने को मिली हैं, तो जो उनके व्यू ऐसे आए कि जो तस्कर वगैरह तो इनको जो है तो जो भीड़ द्वारा मॉब लिंचिंग के द्वारा जो मार दिया जाता है तो ये स्वाभाविक है और जायज़ भी, उन्होंने बताया इस चीज़ को ना। वहीं काफ़ी बहुत से लोग बड़े प्रतिशत में लोग ये भी मानना था कि जो मुसलमान वगैरह स्वभावतः ये अपराधी होते हैं, इनका इस तरह की भी संकीर्ण मानसिकता है, या उन पर भी किसी FIR दर्ज करने के पहले पुलिस को जांच कर लेनी चाहिए, इस तरह की भी कुछ मामले आए। और साथ ही बहुत से लोगों से ने ये भी कहा कि थर्ड डिग्री या मारपीट को ज़्यादा उन्होंने मतलब कि जस्टिफाई किया, उनको उचित ठहराया। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत भी, ऐसे लोग भी बहुत थे जिन्होंने महिलाओं या दलितों के पक्ष में बने कानून का दुरुपयोग होने की भी बात की थी, है ना। तो ऐसे विचार कहाँ से होते हैं, है ना। इस तरह के जो संकीर्ण विचार या मानसिकता हैं तो ये निश्चित तौर पर हमारे संविधान और जो प्रचलित कानून है तो उनकी भावनाओं को भी निश्चित तौर पर ठेस पहुँचाते हैं। तो ऐसे विचार कहीं बाहर से नहीं उपजते हैं बल्कि इसी समाज से ऐसे विचार आते हैं, है ना। इस समाज में कहीं ना कहीं ऐसे विचार होंगे तभी तो उन पर आते हैं। उन्होंने जो विभिन्न श्रेणी के पुलिसकर्मी जैसे कि 18 से 25 वर्ष की उम्र के हैं ये पदस्थ हो जाते हैं, तो इनका जो पुलिस का अंग बनने से पहले ही वे समाज मूल्यों का एक बोझ जो है तो अपनी पीठ पर लाद लेते हैं, उसे साथ लेकर ही नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो हमारे जो समाज है तो उसमें मुसलमानों, दलितों, स्त्रियों, इनको लेकर के जो दुर्भावनाएँ प्रचलित हैं, एक संकीर्णता प्रचलित है, तो ये सभी इन पुलिसकर्मियों के आचरण में भी दिखती है, है ना। इस उससे तो पुलिस में जो आने के बाद जो है तो प्रशिक्षण के दौरान इनको दूर किया जा सकता है ना। ये राइटर के व्यू कि यहाँ पास जैसे कि इन चीज़ों से भी जैसे कुछ प्रशिक्षण अवधि है तो इनसे जो है तो इन चीज़ों पर इस एक्स्ट्रा करिकुलम को बढ़ा करके इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है और प्रशिक्षण के जरिए इन दुर्भावनाओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो प्रशिक्षण भी होते हैं तो इनके बहुत सारे टर्म के होते हैं, बहुत ही कम अवधि के छोटे प्रशिक्षण होते हैं, और इसके बाद तो मुख्य जोर शारीरिक प्रशिक्षण पर ही फोकस करते हैं और इस पर बिहेवियरल चेंजेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पास ये भी देखा कि जो नए प्रशिक्षु है तो उसको भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता या बराबरी जैसे उदात्त मूल्यों में आस्था रखने की भी जो सिखलाई है तो शायद ही प्रशिक्षणों पे देखने को मिलती है, नहीं दी जाती है ना। तो इस अध्ययन में ये तथ्य भी सामने देखने को मिला कि जो कांस्टेबल से लेकर के IPS तक हर स्तर पर ज़्यादातर पुलिसकर्मी अपने सेवावधि में लगभग एक ही बार किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से होकर गुजरते हैं। सरकार जो है तो पुलिस आधुनिकीकरण की जद में प्रशिक्षण केंद्रों की भौतिक सुविधाओं का तो विस्तार कर रही है, करती जा रही है, उसमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यग्रता बिल्कुल भी नहीं दिखती है जो कि एक औसत पुलिसकर्मी को लोकतांत्रिक समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जनता की मित्र पुलिस बनने में मदद कर सकें ना। तो इस तरह के कदम जबकि किए जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनका जो संकलन है तो पुलिस के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों की इंटरव्यू के आधार पर भी हुआ है, तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी मतलब विश्वसनीयता इसकी बढ़ जाती है। तो ये जो है तो वास्तविक जो रिपोर्ट तैयार की गई है तो निश्चित तौर पर ज़मीनी स्तर पर तैयार की गई है और इस दिशा पर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की ज़रूरत है ना, तभी निश्चित तौर पे जो है तो हम जन आकांक्षाओं पे पुलिस भी खरी उतरेगी और हमारा जो समाज है तो उसमें भी पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका भी मतलब कि
आएगी, है ना। तो बस आज के आर्टिकल में बस इतना ही हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।